नमस्कार। इस वक्त हम हैं इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार गेहूं की जो आवक है वो निरंतर बढ़ रही है। गेहूं के क्या कुछ दाम है, चूंकि पिछले साल की तुलना में इस साल दामों में काफी अंतर गेहूं के देखने मिला, यही कारण है कि गेहूं के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। काफी अनुभवी व्यापारी हैं रामलाल जी, वो हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ स्थिति गेहूं के व्यापार को लेकर के वर्तमान में जताई जा रही है। रामलाल जी बहुत स्वागत है, काफी अनुभवी व्यापारी हैं, काफी साल हो गए आपको गेहूं का काम करते करते, अब की बार रिकॉर्ड स्तर पर दाम है, क्या कारण रहा और क्या कुछ दाम अभी चल रहे हैं? आगे और बाजार तेजी देगा, मंडियों में आपके घटने लग गई अभी से ही, क्या अभी पूरा महीना डेढ़ महीना मैंने खाने वालों की गिराकी का है, जो बाजार बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, वही महीना महीना पूरा तेजी का ही देगा। अच्छा, एक संभावना लोग जता रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है दाम और बढ़ जाएंगे, इतने इसमें कितने सच्चाई है? पक्के बढ़ेंगे, 100% दाम बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, ये पूरा महीना महीना तेजी का है। अच्छा, मंडी नहीं आएगी, आपके घटने लग गई है, किसानों के पास माल खत्म होने लग गया है। अच्छा, ये क्या कारण हुआ कि चुनाव खत्म हो जाएंगे तो दाम बढ़ जाएंगे, अभी ऐसा क्या हुआ कि चुनाव पहले है तो दाम कम है, चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे? भाई चुनाव से मतलब नहीं है, बाजार में माल नहीं है, किसानों के यहाँ 6 क्विंटल भी कम हुआ है इस साल, और बाजार में माल की है, माल की औसत आएगी, बाजार तेज हो गई अपने आप ही, हाँ कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, अलग अलग किस्मों के क्या कुछ दाम अभी गेहूं के चल रहे हैं वर्तमान में? देखो 2400 से 2600 तक तो तेजस बिक्री है, और 2400 से 2800 तक पूना बिक्री है, और 3000 3200 तक लोकन बिक्री है। अभी अभी हाल भर सीजन में ये हाल है, तो आगे जाके हाल और खराब ही होना है। अच्छा, बाजार तेजी तेजी रहेगा, मतलब नहीं होगा। अभी बात करें तो अलग अलग राज्यों से किस तरह की डिमांड हमारे पास गेहूँ की? गेहूँ की देखो अभी डिमांड बाहर से थोड़ी कमजोर है, बाहर की डिमांड थोड़ी बढ़ेगी गए महीने, तो बाजार तेजी तेजी चलना मतदा होना ही नहीं है, और ये पूरा महीने महीना तेजी तेजी करेगा गेहूँ, गेहूँ मंडी नहीं आएगी अब। अच्छा, पिछले साल की तुलना में इस साल व्यापार किस तरह का है और मौसम का कितना असर पड़ा? मौसम का असर तो बहुत पड़ा गेहूँ के ऊपर साहब, धूनल ने 1 महीने में समझ लो गेहूँ की 12 बजा दी है, काला धोला लाल पीला सब कर दिया है, किसानों की नीपत कम बैठ रही है, दुबला पतला मेरा जैसा गेहूँ कर दिया हमने, मोटा गेहूँ नहीं हुआ है। अच्छा, यदि हम बात करें तो अब कहाँ तक दाम जाएंगे, क्या 3500 रुपये का दाम छूलेंगे आपकी बात? 3500 रुपये लोकल गेहूँ बिकेगा बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता है, 3200 तो अभी बिकने लग गया दाम बोली में, अब 3500 में क्या रह गया है, 3500 क्या 3500 3600 बिकेगा बल्कि। हाँ, अच्छा, क्या कारण रहा आपकी बार तो गेहूँ ने सारे रिकॉर्ड तोड़े? तो गेहूँ पैदावार खाने वाला गेहूँ बहुत कम हुआ पैदा, और तेजस और पोषण गेहूँ ज्यादा पैदा हुआ है, इसलिए गेहूँ तेजी रहेगी। बात करें तो अब इस तरह की स्थिति यदि इस साल है तो अगले साल भी ऐसी स्थिति होगी, मतलब आने वाले समय में यदि हम बात करें तो लगातार गेहूँ के दाम बढ़ते जाएंगे? हाँ, बढ़ते जाएंगे, गेहूँ के दाम तो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सरकार 200 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाती है, इधर 200 रुपये इधर बढ़ जाते हैं, बाजार तो तेजी होना है, खाने वाला गेहूँ की क्वालिटी कम हो रही है दिन ब दिन, और तेजस गेहूँ की बढ़ रही है, क्योंकि निपट में 18 क्विंटल होता है और ये होता है 10 क्विंटल, किसान 18 क्विंटल वाला होता है, ये इसकी तकलीफ आएगी आएगी, इस गेहूँ में तकलीफ आ रहा है। हमारे यहाँ का ज्यादा खपत किस गेहूँ की होती है और कौन से डिमांड हमारे यहाँ ज्यादा? भाई खाने वाले गेहूँ की डिमांड ज्यादा रहती है, लोकवन पूना और ये श्रीराम तिनका, इनकी गेहूँ की खपत ज्यादा रहती है, ये गेहूँ है कम। और बाहर कौन कौन सा गेहूँ जाता है? बाहर जाता है लोकवन और ये श्रीराम और पूना, इनों गेहूँ बाहर जाते हैं ये। अच्छा, समय के हिसाब से देखा जाता है कि बाहर से हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है कभी कभी, तो क्या लगता है आपके बारे से स्थिति बनेगी? हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी, हाँ सरकार को गेहूँ मंगाना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि सरकार का खजाना खाली रहेगा, माल नहीं मिलेगा सरकार को इस साल। अच्छा, तो फिर खजाने में कभी कभी होता है कि खराब गेहूँ भी आ जाता है, ऐसी भी स्थिति बन जाती है? खराब गेहूँ तो क्या है, देखो साहब ये तो फिर अपने ऊपर है, किस क्वालिटी का गेहूँ लेना नहीं लेना, हल्का गेहूँ लेंगे तो हल्का आएगा और अच्छा लेंगे तो अच्छा आएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं गेहूँ के दाम अब की बार आसमान, गेहूँ के दाम तो आसमान छुएंगे छुएंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको, 3500 3600 लोकन बिकेगा और 3200 3300 पुना बिकेगा और 3000 रुपये माल राज बिकेगा तेजस, हाँ इसमें कोई अटेंड नहीं लगाएगा था। निश्चित तौर पे काफी अनुभवी व्यापारी हैं रामलाल जी, जिनने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो गेहूं के दाम है वो लगातार बढ़ेंगे और अब की बार गेहूं के जो दाम है वो आसमान छूते भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।